Hi students of class 3, class 4. Today I will continue the SST subject chapter The Life of the Region. Today I will continue Sikkim and West Bengal at first. Sikkim is a small state and is located on the high mountains and deep river valley. Sikkim एक छोटा राज्य है एवं ये एक ऊंचा पर्वत और गंभीर नदी उपत्यका में अवस्थित है. The people belongs to three main tribes. यहाँ का आदमी लोग तीन उपजाति में विभक्त है, लेप्चा, भोटिया एवं नेपाली. The women औरत लोग wear boku and colorful ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीट्स. यहाँ का औरत लोग बोकू एवं रंग बिरंग गहना जो बड़ी से बनता है वो पहनते हैं. सिक्किम इज फेमस फॉर ऑर्चर्ड. सिक्किम फलों का बगीचा के लिए विख्यात है. द कैपिटल गैंगटॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम. गैंगटॉक सिक्किम का राजधानी है. ओके, इसके बाद ये जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है यहाँ का सात स्टेट है. उस सात स्टेट को एक साथ सेवन सिस्टर भी कहला जाता है. चलो शुरू करते हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है सेवन स्टेट्स. उत्तरीय पूर्व अंश में भारत का सात राज्य है. दीज आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर. ये एक साथ इसको क्या कहला जाता है, इसको सात बहन कहला जाता है. पीपल ऑफ द स्टेट्स हैव देयर ओन कस्टम्स ड्रेसेस एंड लैंग्वेजेस. ये सब राज्य का आदमी लोग अलग अलग पोशाक भाषा से ये लोग विभक्त है. एट फर्स्ट वी डिस्कस द अरुणाचल प्रदेश. द अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. उत्तर पूर्व अंश का सबसे बड़ा जो शहर है वो है अरुणाचल प्रदेश. इट हाउएवर हैज ए स्मॉल पॉपुलेशन. फिर भी यहाँ पर बहुत कम आदमी रहते हैं. ईटानगर इज द कैपिटल सिटी. ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है. पीपल लिव इन सिल्ट हाउसेस. सिल्ट हाउसेस एक जैसा है जो हम लोगों का फ्लैट रूप का नहीं, ढालू मतलब ऊपर में कुछ पड़े फिर भी वो रह जाएगा नहीं, वो गिर के नीचे गिर जाएगा. जैसे पहाड़ी अंचल में देखा जाता है उसी तरफ ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है सिल्ट हाउसेस. ठीक है. दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल. इसके बजाय यह आदमी लोग वाइल्ड जंगली जानवर और बारिश से बच सकते हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट. ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश किया है इस शहर से अंदर से. फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन मणिपुर. मणिपुर का आदमी लोगों को कृषिजीवी और वीविंग माने बुनना मेन जीविका है. दे ऑल्सो मेक ब्यूटिफुल आर्टिकल्स फ्रॉम बैम्बू केन एंड फर्दा एंड लेदर्स. यहाँ का आदमी लोग बांस बेत और चमड़ा से बहुत सुंदर सुंदर चीज बनाते हैं. द मणिपुरी डांस इज वेरी पॉपुलर. मणिपुर में जो डांस है वो मणिपुरी डांस बहुत विख्यात है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. ये भारत का एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है. द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फल. मणिपुर का राजधानी है इम्फाल. ओके, आज हम लोग
ही तक पढ़ेंगे, और बहुत सारा स्टेट है, इसके बाद वाला दिन इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड है, वो वर्ड हम तुमको, तुम लोगों को बोल दे रहा है, एक बार देख लो। लोकेटेड माउंटेन्स, पर्वत, वैली, उपत्यका, तीन तरीका का जो है मेन ट्राइब्स ऐलान करना है, लेप्चा, भूटिया, नेपाली। सिक्किम किसके लिए फेमस है? ऑर्चिड के लिए, मतलब फलों का बाग, गार्डन मतलब फूल का बागान, और ऑर्चिड होता है फलों का बागान। कैपिटल का नेम याद करना, ओके। दार्जिलिंग इज द वेस्ट बंगाल पॉपुलर हिल स्टेशन, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा हिल स्टेशन कौन है? दार्जिलिंग है, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारा है, क्या करोगे तुम लोग, मीनिंग करके पढ़ लेना। जैसे प्रोटेक्ट मतलब रक्षा, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, डांस मतलब नृत्य, केन मतलब बेत, आर्टिकल्स मतलब दोबो बच्चीस, ऑक्यूपेशन मतलब जीविका,